अब हम बात करेंगे एक और डिफेंस कंपनी की, भारत डायनेमिक्स के नतीजे आए और नतीजों पर चर्चा करने के लिए चलते हैं कंपनी के सीएमडी कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा साहब हमारे साथ शो में जुड़े हैं। सर पहले तो जो नंबर्स में देख रही थी, जून तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो उसके लिए तो बधाई सर। सालाना आधार पर मुनाफा बढ़कर करीब 40 करोड़ आया है और आय 450% बढ़कर करीब 700 करोड़ आई है। मार्जिन में भी जबरदस्त उछाला है। क्या थे सर ट्रिगर्स, कैसे नंबर्स को डिफाइन करेंगे और क्या अब ये सस्टेनेबल रहेगा ये परफॉर्मेंस? हाँ नमस्कार। एक्चुअली अभी हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था ऑलमोस्ट 700 करोड़ के करीब था। और जो हमें ईयर टू ईयर अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर जो हमारी प्रॉफिट है वो काफी जंप हुई है, क्योंकि पिछली बार हम लोग निगेटिव में थे फर्स्ट क्वार्टर में। बट ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, हम लोग जो प्रॉफिट मार्जिन है तो इस समय 6% है, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि ये 20-25% के करीब रहेगा पूरे ईयर का। तो बाय फोर्थ क्वार्टर हम लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 20-25% रहेगा। ओके फेयर इनफ सर। हमने ऑर्डर जो देखी है वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू एक्सपोर्ट आकाश जो मटेरियलाइज होगा सर 1-2 साल में, क्या अपडेट कर सकते हैं सर उसके बारे में? और कुछ और फॉरेन जेवीज जो आप देख रहे हो, क्योंकि आपको या करेक्ट सर बताइए। जो आकाश ओपन सिस्टम है, हम लोगों को 9 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करने का परमिशन मिला हुआ है और उसमें करीबन 5-6 कंट्री के साथ हम लोग एडवांस स्टेज पे बात चल रहे हैं। कई लोग हम लोगों के पास आए हैं, हम लोग उनसे बातचीत चल रही है और कम से कम 1-2 साल लग जाएगा कि ये ऑर्डर मटेरियलाइज होने में। इन एडिशन टू आकाश, हम लोग 80 गाइडेड मिसाइल्स और दूसरे एयर टू ग्राउंड ATGM हेलिना, इसको भी हम लोग काफी एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। तो ये भी हम लोग काफी अधिक दूसरे कंट्रीज में इसको दिखा रहे हैं और कई लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा हम लोग रिफर्बिशमेंट ऑफ पुरानी मिसाइलों का भी काफी कंट्रीज के साथ हमारे पास हमने कोड भेजे हैं और वो लोग हमारे साथ डिस्कशन करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर आकाश का और दूसरा रिफर्बिशमेंट और एटीटैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी कुछ ऑर्डर मिलेगा। इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा कम से कम 10% हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए और 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो आज इस पर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सोच रहे हैं 3200 करोड़ के करीब हम लोगों का टारगेट। सर तो काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन दिख रही है, बट अगर इसको सर ट्रांसलेट करें नंबर्स में, लाइकली पाइपलाइन क्या है और कितने ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं टू विन, लेट्स से बाय एंड ऑफ FY23? टेंटेटिव ऑर्डर पाइपलाइन अगले 2 क्वार्टर्स के लिए क्या होगी, अगर हमें आप उसका अंदाजा दें? और इसमें इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट का स्प्लिट क्या होगा? देखिए अभी हमारे पास जो इस साल के ऑर्डर है वो 4500 करोड़ के करीब ऑर्डर इस साल हम लोग को मिल चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का तो अस्त्रा का ऑर्डर था और भी दूसरे रिफर्बिशमेंट वगैरह इकला का रिफर्बिशमेंट वगैरह का ऑर्डर था। एंड अभी नेक्स्ट क्वार्टर या बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमें 2 बड़े ऑर्डर और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो करीबन 8-10 हजार करोड़ के बीच में वो दोनों ऑर्डर रहेंगे। आकाश 3rd and 4th regiment का ऑर्डर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम लोगों का जो ऑर्डर बुक रहेगा करीबन 20,000 करोड़ रहेगा, जो कि 4-5 साल तक हम इसको एक्सक्यूट करेंगे। तो हमारा जो ग्रोथ रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से वो करीबन 2 digit में तो रहेगा ही हर साल, प्लस हम लोग का जो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग मेंटेन करेंगे 20-25% के बीच, 25% के मार्जिन मेंटेन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्विक अपडेट चाहेंगे सर, जो ऑर्डर आपको मिला था 2,970 करोड़ के करीब का फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, उस पर क्या अपडेट है सर? देखिए वो हम लोग एडवांस स्टेज की मैन्युफैक्चरिंग उसकी चालू कर दिए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इस साल के एंड तक हम लोग उसमें से कुछ मिसाइलें तो हम लोग डिलीवर कर देंगे, प्लस नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे। और ये जो अस्त्रा वेपन सिस्टम है
ये एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल है, जो इसके जो बराबर की मिसाइल दूसरे कंट्रीज में है वो मीका करके है, उससे भी कहीं अच्छी रेंज की ये मिसाइल है। इसका 110 किलोमीटर इसका रेंज है, और ये मिसाइल भी काफी दूसरे कंट्रीज के लोग इसको देख रहे हैं और हम लोगों से इसका ऑफर मांगे। इसका ओके तो मिसाइल काफी को हम लोग रशियन रेडार, रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, Su-30। सो जिसके जिसके पास Su-30 एयरक्राफ्ट है उनको हम लोग ये बेच सकते हैं। ओके वंडरफुल सर। तो काफी रोबस्ट पाइपलाइन है अगर ऑर्डर्स की बात की जाए, और जिस तरह से आप बिड करें मार्जिन्स पे भी, आपने जो कहा 20 से 25% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन्स भी। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स है और आगे क्या है आउटलुक और रोड मैप। तो ये थे हमारे साथ CMD ऑफ भारत डायनेमिक्स बातचीत करते हुए।